हिमालयस को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, वहीं वेस्टर्न घाट्स को ब्लॉक माउंटेन्स। लेकिन ये सभी माउंटेन्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स। अर्थ का आउटर शेल यानी लिथोस्फेयर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स सेमी मोल्टन मेंटल लेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं और लगातार मूव करती रहती हैं। जब ये मूवमेंट की वजह से आपस में टकराती हैं, तो इसके बीच मौजूद सेडिमेंट्स, डेब्रिस या रॉक्स कंप्रेशन फोर्स की वजह से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं और फोल्डिंग प्रोसेस से बनने वाले माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। फोल्ड माउंटेन्स को उनकी एज के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जिसका एग्जांपल है अरावली हिल्स, और न्यू फोल्ड माउंटेन्स जिसका एग्जांपल है हिमालयस। माउंटेन्स का दूसरा टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में फॉल्ट लाइंस मौजूद हो और फिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये तो अपवर्ड फोर्स की वजह से बीच का हिस्सा राइज हो जाएगा, या फिर डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये साइड ब्लॉक्स नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में बीच का हिस्सा राइज हो जाता है, जिसे हॉर्स कहते हैं, और नीचे ड्रॉप डाउन होने वाले पार्ट को ग्रेबिन कहते हैं। इस प्रोसेस से फॉर्म होने वाले माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज। लास्ट है रेसिडुअल माउंटेन्स, जो एलिवेटेड एरिया के इरोजन से फॉर्म होते हैं, जैसे नलमाला हिल्स। तो दोस्तों ये थी कहानी अलग अलग। दोस्तों दुनिया भर में लोग बियर, विस्की, रम और वोडका जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बीच में फर्क क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं बियर की, जिसे जनरली माल्टेड बार्ली या माल्टेड व्हीट से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले स्टार्च का सैक्रिफिकेशन यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इथेनॉल में ब्रेक किया जाता है, और फिर उससे बनने वाली शुगर को फर्मेंट किया जाता है। बियर में जनरली 4-8% अल्कोहल होता है। बात करें विस्की की, तो उसे बार्ले, राई, व्हीट और कॉर्न जैसे ग्रेन से बनाया जाता है। पहले ग्रेन्स को मैश किया जाता है, फिर इसे फर्मेंट और डिस्टिल करके बैरल्स में भर के एज किया जाता है। इसमें 36-50% अल्कोहल हो सकता है। इसके अलावा आपने स्कॉच का नाम भी सुना होगा। स्कॉच ऐसी विस्की को कहते हैं जिसे स्कॉटलैंड में प्रोड्यूस किया गया हो। इसके बाद आती है रम, जिसे शुगर केन जूस और मोलासेस जैसे शुगर केन के बाई प्रोडक्ट से बनाया जाता है। इनमें ईस्ट और वाटर ऐड करके फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर डिस्टिल करके एज किया जाता है। रम में अल्कोहल परसेंटेज 40 के आसपास होता है। इसके बाद आता है वोडका। ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर और फ्रूट्स जैसे अलग अलग फर्मेंटेड सब्सटेंसेस से जूसेस का डिस्टिलेशन करके इसे बनाया जाता है। वोडका को जनरली डिस्टिल्ड स्प्रिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर और इथेनॉल से बनती है। इसका अल्कोहल परसेंटेज 40-50% होता है। लास्ट है वाइन, जो ग्रेप से बनाई जाने वाली अल्कोहलिक बेवरेज है। ग्रेप जूस में मौजूद शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। वाइन में अल्कोहल की मात्रा 11-13% तक होती है। की वीडियो में हम जानेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल, यानी प्लांट की बर्थ से लेकर डेथ तक की कहानी। प्लांट की लाइफ शुरू होती है सीड फॉर्म से, जिसे ह्यूमन बेबीज के साथ कंपेयर किया जा सकता है। सीड में मौजूद होता है प्लांट एम्ब्रियो, जिसमें फूड और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जब वाटर, एयर, ह्यूमंस या एनिमल्स की वजह से सीड डिस्पर्स होकर ग्राउंड में फैल जाता है, और उसे वाटर, आइडियल टेम्परेचर, फेवरेबल सॉइल जैसे चीजें मिल जाती है, तो शुरू होता है जर्मिनेशन का प्रोसेस। सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग को तोड़कर प्लांट लीव्स और रूट्स ग्रो करना शुरू करती हैं। लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रोड्यूस करना, और रूट्स का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जब सॉइल के बाहर सीड की लाइफ का फर्स्ट साइन दिखने लगता है, तो इसे सीडलिंग कहते हैं। ये सीडलिंग का प्रोसेस ग्रो करते हुए फुली मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद प्लांट फ्लावर्स डेवलप करने लगता है। इसके बाद शुरू होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे स्टेमन कहा जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे पिस्टल कहा जाता है। स्टेमन पार्ट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स फ्लावर्स के स्वीट जूसेस सक करते हैं, और इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स को पिस्टल तक पहुंचा देते हैं। साथ ही विंड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स के पिस्टल के साथ कॉन्टेक्ट में आने से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर पिस्टल में सीड की फॉर्मेशन होती है। अब वापस से सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं और न्यू प्लांट की लाइफ साइकिल शुरू होती है। दोस्तों ये थी कहानी एक प्लांट की लाइफ। दोस्तों कैनबिस, आसान भाषा में कहें गांजा, इस पर अक्सर ही डिबेट होती है कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। चलिए जानते हैं कि गांजा हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। गांजे में मेनली दो टाइप के केमिकल्स होते हैं, सीबीडी यानी कैनाबिडॉल और टीएचसी यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिडॉल। यही दोनों केमिकल्स मेजॉरिटी इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इसे स्मोक किया जाता है, तो लंग से होते हुए ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है और फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट करता है, और इसी वजह से हाई होने की प्लीजेंट फीलिंग लोगों को मिलती है। लोग इसे स्मोक करने के अलावा कुकीज, गमीज और ब्राउनीज के साथ भी खाते हैं। ऐसे में ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। अब देखते हैं इसके इम्पैक्ट को। कैनबिस एपेटाइट को बढ़ाता है और नौसिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस कर सकता है। साथ ही ये बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पॉजिटिव इफेक्ट से कहीं ज्यादा है।
ब्रेन का पार्ट हिप्पोकैम्पस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और THC इसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है और जजमेंट इफेक्ट होते हैं। गांजा डोपामिन के रिलीज को बढ़ाता है, जिससे यूफोरिया की फीलिंग ट्रिगर होती है। साथ ही ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स को भी ऑल्टर कर देता है। कैनबिस लेने से हार्ट रेट इमीडिएटली जंप करता है और ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करती हैं, जिससे आईज रेड हो जाती है। THC इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे लोग इन्फेक्शन के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। साथ ही ये लंग्स की हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, ये थी कहानी कैनबिस की और उसके बॉडी पे इम्पैक्ट की। अगले वीडियो में आप कौन से इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस के बॉडी पर इफेक्ट को जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।